नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लासरूम में बोले जाने वाले छोटे छोटे लेकिन बहुत ही काम के 30 इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उन टीचर्स के लिए हैं जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना मत भूलना। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, दांत मत फाड़ो। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट गिगल। डोंट गिगल, गिगल का मतलब होता है दांत फाड़ना, बेवजह हंसना। नेक्स्ट सेंटेंस है, कमर सीधी करके बैठो। आप इसे कहेंगे सिट अप स्ट्रेट। सिट अप स्ट्रेट। इधर उधर मत झांको। डोंट लुक अराउंड। डोंट लुक अराउंड। सभी अपनी अपनी किताब में देखो। एवरी वन लुक इन योर ऑन बुक। एवरी वन लुक इन योर ऑन बुक। नाक में उंगली मत डालो। डोंट डिग योर नोज। डोंट डिग योर नोज। किसी के साथ लड़ाई मत करना। डोंट फाइट विद एनी वन। डोंट फाइट विद एनी वन। लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। इट्स यूजलेस टू फाइट। इट्स यूजलेस टू फाइट। तुम्हें प्यार से रहना चाहिए। यू शुड लिव विद लव। यू शुड लिव विद लव। मेरे दिमाग की दही ना करो। डोंट मेक माई हेड फस। डोंट मेक माई हेड फस। अपना लंच अच्छे से खाओ। हैव योर लंच प्रॉपरली। हैव योर लंच प्रॉपरली। कोई भी लंच नहीं छोड़ेगा। आप इसे कहेंगे नोबडी विल मिस लंच। नोबडी विल मिस लंच। मिस की जगह आप लीव वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं नोबडी विल लीव लंच। खाते हुए बात मत करो। डोंट टॉक वाइल ईटिंग। डोंट टॉक वाइल ईटिंग। खाना वर्दी पर मत गिराना। डोंट स्पिल द फूड ऑन यूनिफॉर्म। डोंट स्पिल द फूड ऑन यूनिफॉर्म। स्पिल का मतलब होता है गिराना। पेट भर कर खाओ। ईट लंच फुली। ईट लंच फुली। कुछ भी बचना नहीं चाहिए। नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर। नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर। दीवार पर मत घिसो। डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल। डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल। स्क्रिबल का मतलब होता है किसी चीज से दीवार पर घिसना, पेंसिल से, उंगली से, पेन से। इतने बातूनी मत बनो। डोंट बी सो वॉल्यूबल। डोंट बी सो वॉल्यूबल। ज्यादा बात करना ठीक नहीं। इट्स नॉट गुड टू टॉक टू मच। इट्स नॉट गुड टू टॉक टू मच। सिर्फ अपने काम से काम रखो। जस्ट माइंड योर ऑन बिजनेस। जस्ट माइंड योर ऑन बिजनेस। दूसरों से पंगा मत लो। डोंट मेडल विद अदर्स। डोंट मेडल विद अदर्स। मेडल विद का मतलब होता है पंगा लेना। दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ। डोंट पोक योर नोज इन टू अदर्स मैटर्स। डोंट पोक योर नोज इन टू अदर्स मैटर्स। सीटी किसने बजाई। हु विशल्ड। हु विशल्ड। मुझे ईमानदारी से बता दो। टेल मी ऑनेस्टली। टेल मी ऑनेस्टली। मैं कोई सजा नहीं दूंगा। आई विल नॉट पनिश। आई विल नॉट पनिश। मैं जानना चाहता हूं तुम कितने ईमानदार हो। आई वॉन्ट टू नो हाउ ऑनेस्ट यू आर। आई वॉन्ट टू नो हाउ ऑनेस्ट यू आर। सच बोलना सबके बस की बात नहीं। इट्स नॉट एवरी वन्स कप ऑफ टी टू स्पीक द ट्रूथ। इट्स नॉट एवरी वन्स कप ऑफ टी टू स्पीक द ट्रूथ। ईमानदार बनो, समझदार बनो। बी ऑनेस्ट। बी सेंसिबल। बी ऑनेस्ट। बी सेंसिबल। कौन कौन अच्छा बनेगा। हु ऑल विल बी सेंसिबल। हु ऑल विल बी सेंसिबल। कौन कौन मेरी बात मानेगा। हु ऑल विल फॉलो मी। हु ऑल विल फॉलो मी। मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं। माई ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी लविंग। माई ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी लविंग।
आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर लगा हो मैंने आपको बेवजह ये वीडियो देखने पर मजबूर किया, आपका टाइम वेस्ट कर दिया, तो इसको डिसलाइक करना मत भूलना। चैनल पे आज ही आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।